लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। पत्नी छोड़कर गई तो तीनों बच्चों को पिलाया जहर, फिर खुद भी कर ली आत्महत्या। हरियाणा से सैनीपत से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 40 वर्षीय बुजुर्ग ने तीन बच्चों को जहर देकर मार दिया, इसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस ने घटना की जानकारी बुजुर्ग के पड़ोसियों ने दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव दोदवा में पत्नी के घर चढ़कर जाने से परेशान राजमिस्त्री ने दो बेटों और बेटियों को जहर खिलाकर मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है। चारों के शव घर के अंदर सड़ी हुई हालत में मिले हैं। बच्चों के स्कूल नहीं जाने पर शिक्षक ने अन्य बच्चों को देखने के लिए घर भेजा तो अंदर गेट बंद मिला। घर के अंदर से दुर्गंध आ रही थी। छत पर जाकर देखने के बाद लोगों को मामले का पता चला। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया, जहां से शवों को गांव खानपुर कला स्थित BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।